दोस्तों, क्या आपने कभी किसी दो सूंड वाले मैमथ के बारे में सुना है, या 4000 साल पुराने फॉसिल बन चुके विशाल ऑस्ट्रिच के अंडे के बारे में? क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ लगभग 8 फीट का था? दोस्तों, समय समय पर पृथ्वी अपने अंदर छुपे रहस्यों को बाहर निकालती है। आज की वीडियो में मैं आपको पृथ्वी पर की गई कुछ अनोखी खोजों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें देखकर सभी हैरान रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, डायनासोर्स फुटप्रिंट्स। स्कॉटलैंड के आइल ऑफ स्काई आइलैंड पर आर्कियोलॉजिस्ट को दो अलग अलग प्रजातियों के विशाल डायनासोर के पैरों के निशान मिले, जिसने स्थानीय लोगों को हैरान कर डाला। पहला डायनासोर लगभग 230 मिलियन साल पुराना है और ये पृथ्वी पर रहने वाले थेरापॉड्स डायनासोर्स में से एक था, और उसके पैर के निशान में तीन उंगलियां पाई गई, और भयानक टायरानोसॉरस भी इसी समूह में आता है। दूसरा डायनासोर सॉरोपॉड समूह का था, जिसमें सबसे बड़े डायनासोर और पृथ्वी पर अब तक रहने वाले सबसे बड़े जानवर शामिल हैं। एंट्रैक्स को देखने पर पता चलता है कि यह लगभग 2 मीटर लंबा एक युवा डायनासोर था। यहां ऐसे कुल मिलाकर लगभग 50 से अधिक ट्रैक्स डायनासोर द्वारा बनाए गए थे, और इनके माध्यम से साइंटिस्ट को इस प्री हिस्टोरिक युग और इन जानवरों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद है। नंबर 9, जायंट सी ड्रैगन। दोस्तों, आज तक हमने केवल ड्रैगन के मिथ्स के बारे में सुना है, लेकिन इस तरह की खोज एक सच्ची कल्पना की तरह है। वाटर रिजर्वॉयर्स के संरक्षण पर काम कर रही एक्सपर्ट्स की एक टीम को एक नियमित प्रक्रिया के दौरान गलती से एक प्री हिस्टोरिक समुद्री जीव की रीढ़ की हड्डी और जबड़े के बारे में पता चला, जिसने न केवल लोगों को हैरान कर दिया बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट और क्रिप्टोजूलॉजिस्ट के लिए भी एक अविश्वसनीय खोज बन गई। दोस्तों, आपको बता दूं कि क्रिप्टोजूलॉजिस्ट विज्ञान पेशेवर हैं, जो जानवरों की अज्ञात प्रजातियों की खोज और अध्ययन करने में विशेषज्ञ होते हैं। इस पूरी संरचना की लंबाई 32 फीट थी और इसकी पहचान इच्थायोसॉर के रूप में की गई, जो एक समुद्री जीव था जो लगभग 180 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर पाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इच्थायोसॉर का शरीर लंबा लचीला होता था और वो मछली की तरह तैर सकता था, और लगभग 2 मीटर लंबी खोपड़ी ने इस कंकाल को आधिकारिक तौर पर दुनिया में अब तक पाए गए सबसे बड़े इच्थायोसॉर के कंकाल के रूप में मान्यता दे दी। नंबर 8, जायंट ऑस्ट्रिच एग्स। आर्कियोलॉजिस्ट को इजराइल के एक छोटे से निजाना में एक प्राचीन चूल्हा जैसा कुछ मिला था, लेकिन जब इसके बारे में जांच हुई तो ये एक महत्वपूर्ण प्री हिस्टोरिक चिमनी निकली, और यही जमीन में सतह के काफी करीब दबे हुए ऑस्ट्रिच के अंडे काफी अच्छी तरह से संरक्षित थे। साथ ही इसके पास में ही 8 और प्रीहिस्टोरिक अंडे पाए जाने के बाद ये जगह अब तक खोजे गए ऐसे अंडों का सबसे व्यापक भंडार बन गई। अगर हम इनकी तुलना सामान्य अंडों से करें तो सामान्य अंडों की तुलना में ये आकार में 25 गुना बड़े थे, और ये ऑस्ट्रिच के अंडे लगभग 4000 साल पुराने माने जा रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार प्राचीन लोग इन अंडों का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करते थे, बल्कि वो इनका उपयोग बर्तनों के रूप में किया करते थे। साथ ही वो आभूषण और दफनाने की वस्तुएं बनाने के लिए सामग्री के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते थे, और इस खोज से पता चलता है कि ऑस्ट्रिच उस युग के काफी महत्वपूर्ण पक्षी हुआ करते थे। नंबर 7, द ओल्डेस्ट टॉर्टोइस। अब तक पाए गए फॉसिल्स के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े कछुए की लंबाई 5 फीट दर्ज की गई थी। हालांकि स्पेन में खोजे गए एक विशाल कछुए के फॉसिल ने पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पार कर दिया है। इसकी लंबाई 8 फीट मापी गई है, जिससे यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा कछुआ बन गया है, और यह सबसे पुराना भी है। यह लगभग 11 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर रहता था। एक और दिलचस्प बात यह थी कि जब साइंटिस्ट ने इसके शेल की जांच की तो उन्हें सींगों के अवशेष भी मिले, तो अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है कि यह नर टॉर्टोइस के पास सींग हो, जिसने उन्हें विशाल शिकारियों से अपना बचाव करने में सहायता मिलती हो। और इस खोज से पता चलता है कि इसलिए कछुए हर तरह से पृथ्वी पर सबसे अहिंसक प्राणी नहीं है, और बिल्कुल डरपोक प्राणी भी नहीं है। नंबर 6, अ मैमथ इन मड। आर्कियोलॉजिस्ट को कीचड़ भरे गड्ढे में एक अजीब वस्तु मिली, जैसे कि कोई बड़ा जानवर कीचड़ में फंस गया हो, लेकिन उन्हें जो मिला वो एक प्री हिस्टोरिक मैमथ का संरक्षित शरीर था, और इसमें एक अद्भुत विशेषता थी जिसने सभी को चौंका दिया था। इसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे इसकी दो सूंड हो। इतिहास में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है, तो ये स्पष्ट नहीं है कि ये सच्चाई है या कोई भ्रम, लेकिन पूरी कहानी इस वीडियो से काफी मिलती जुलती है। जहां ये विशाल हाथी या बड़े सींग वाले जानवर खुद को कीचड़ के जाल में पाते हैं और खुद से वहां से बच के निकल नहीं सकते, लेकिन इस मैमथ के साथ क्या हुआ और उस समय ये कैसा दिखता था, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उस समय वहां कोई बचाव कर्मी या इंसान नहीं थे।
नंबर 5 मैमथ स्केलेटन। ये खोज रशियन रिसर्चर्स द्वारा आर्कटिक के पास साइबेरियन झील के क्षेत्र में की गई थी। उन्हें एक वूली मैमथ का कंकाल मिला था। हैरानी की बात यह है कि यहाँ कई हड्डियों के बीच ऐसे अवशेष भी थे जो पूरी तरह से फॉसिल नहीं बने थे, लेकिन उनमें अभी भी कुछ नरम टिश्यूज के नमूने मौजूद थे। उनकी पैर की हड्डियों और खोपड़ी के अवशेषों में कुछ टिश्यूज थे। यह विशाल प्राणी कम से कम 10,000 साल पहले पृथ्वी पर पाया जाता था, तो यह अब तक कैसे संरक्षित हो सकता है? साइंटिस्ट इनके अवशेषों से मैमथ की उम्र, आकार और यहाँ तक कि उसके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। नरम टिश्यू के कण फॉसिल्स की तुलना में बहुत कम पाए जाते हैं। ऐसे ही मेक्सिको में भी असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित एक दांत की खोज की गई है। इस अद्भुत खोज की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। इस तरह की खोज सचमुच कुछ ही कदमों की दूरी पर मौजूद हो सकती थी। नंबर 4 मेगालोडॉन। ये एक प्राचीन विशाल मेगालोडॉन शार्क या मेग शार्क के अवशेष हैं, जो साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न चिली में अटाकामा डेजर्ट के रेतीले क्षेत्र में गहराई में दबे हुए पाए गए। ये इतना अद्भुत था कि साइंटिस्ट को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने रेत में से अपने हाथ के आकार का एक शार्क का दांत निकाला। इतिहास की सबसे बड़ी मेगालोडॉन शार्क आज से लगभग 3.5 लाख साल पहले समुद्र में पाई जाती थी। रिसर्चर्स के मन में यह सवाल आया कि इस विलुप्त समुद्री शिकारी का दांत रेगिस्तान में कैसे पहुंचा। उनके अनुमान के अनुसार अटाकामा डेजर्ट एक समय महासागर का हिस्सा हुआ करता था, जो कई मिलियन सालों से पृथ्वी पर हो रहे बदलाव के कारण रेगिस्तान में बदल गया। उन्होंने ये भी बताया कि मैग की मृत्यु समुद्र तल पर ही हुई थी, लेकिन भूकंप के कारण उसका कंकाल धीरे धीरे ऊपर की ओर आ गया। इसी तरह एक और दांत मेक्सिको के पास रेगिस्तान में भी खोजा गया था, और हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि यह विशाल आकार की मेगालोडॉन शार्क पानी के नीचे की जगह कैसी दिखती होगी और किसका शिकार करती होगी। नंबर 3 एलिफेंट्स रेस्क्यू। दोस्तों, ये वीडियो खोपड़ियों या दांतों से नहीं बल्कि उससे भी बड़े और मजबूत जानवर के जीवन के लिए लड़ते हुए एक इंसान के संघर्ष से लोगों को चौंका देता है। लोग उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने एक विशाल हाथी को कीचड़ वाली मिट्टी के तालाब में फंसा हुआ देखा। लेकिन बारिश के दौरान ये घटना आम है जब हाथियों का विशाल शरीर कीचड़ में फंस गया हो, जिससे हाथी के अपने आप बच के निकलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उनके शरीर का वजन काफी ज्यादा होता है और कीचड़ बेहद फिसलन भरा होता है, जिससे बाहर निकलने की कोशिश में उन्हें कभी कभी कई घंटे या कई दिन भी लग जाते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब तक हाथी पर इंसानों की नजर पड़ी तब तक वो बेहद कमजोर हो चुका था और उसका साथी मृत्यु के कगार पर गंभीर रूप से डिहाइड्रेट हो चुका था। लेकिन वो दोनों भाग्यशाली ही थे, क्योंकि उन्हें रस्सियों का उपयोग करके कीचड़ से बाहर निकाला गया था। और इसी तरह कुछ समय पहले थाईलैंड में एक और दिल दहला देने वाली घटना हुई, जब हाथियों के 6 बच्चे कीचड़ के गड्ढे में फंस गए। ये हाथी कई फीट तक डूब गए और गड्ढे की दीवारें उनके छोटे छोटे पैरों के लिए बहुत ऊंची होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। स्थानीय निवासियों ने हाथी के इन छोटे बच्चों के लिए रास्ता बनाने में 5 घंटे कीचड़ में बिताए और आखिरकार सभी लोग इन्हें बाहर निकालने में कामयाब रहे। नंबर 2 फॉसिल्स रिमेन्स। क्यूबा में रिसर्चर्स का एक समूह वारेडेरो में पानी के नीचे एक गुफा में गए, जहां वो जीवन की तलाश कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने उनके होश उड़ा दिए। इस गुफा में प्राचीन काल के कुछ विलुप्त जानवरों की विशाल खोपड़ियां और हड्डियां मौजूद थीं। खोजे गए ये अवशेष कई हजार साल पुराने थे। कई विलुप्त जानवरों के फॉसिल्स अवशेष भी समुद्र में नहीं बल्कि कैलिफोर्निया के लॉस एंजलस शहर में भी पाए गए थे। ये दिलचस्प है कि जीवन से भरा ये शहर अपनी सतह के नीचे सैकड़ों और हजारों ऐसे फॉसिल्स को छिपाए हुए है। नंबर 1 लॉन्ग नेक्ड डायनासोर। लंबी गर्दन वाला यह डायनासोर लगभग 10 साल पहले साउथ अमेरिका के पैटागोनिया क्षेत्र में खोजा गया था। यह क्षेत्र अक्सर ऐसे अवशेष पाए जाने के लिए जाना जाता है। इस डायनासोर को सॉरोपोड कहा जाता है। इसकी गर्दन लंबी होती है, जिससे उन्हें ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने में मदद मिलती है। और 10 साल पहले पाई गई इस प्रजाति का तब तक कोई नाम नहीं था, जब तक कि साइंटिस्ट ने इसे साइक्लोटोसोरस नाम नहीं दिया। कई दिनों बाद अवशेषों का एक और ऐसा ही समूह मिला, जिसमें 4 अंग और कुछ पिछले अंगों के अच्छी तरह से संरक्षित बड़े हिस्से शामिल थे। इन भागों और फेम्यूर हड्डी की माप से संकेत मिलता है कि उसके अंग का आकार लगभग 2 मीटर तक पहुंच चुका था। जरा सोचें कि ये जीव कितने विशाल हुआ करते थे और उन्होंने पृथ्वी पर भारी मात्रा में निवास किया। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी खोज जिसने साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान कर दिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।